देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह गणपति बप्पा की मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित कर आकर्षक झांकियां सजाई गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में स्थित एनवीडीए कॉलोनी में केदारनाथ धाम पर आधारित स्थायी झांकी बनाई गई है, जिसमें हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसा पंडाल बनाकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड के श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रतीकात्मक शिला स्थापित कर शिव तांडव करते गणपति बप्पा की 11 फीट ऊंची मिट्टी से निर्मित प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस आकर्षक झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुँच रहे हैं। गणेश मंडल के सदस्यों का कहना है कि स्थायी झांकी बनाने का यह हमारा पहला प्रयास है। केदारनाथ पर आधारित झांकी बनाई है आपने, क्या कुछ जानकारी? ये एनवीडीए कॉलोनी गणेश मंडल जो हमारा मंडल है, उन्होंने इस बार केदारनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड में जो स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मंदिर है, उसी का प्रतिबिंब हमने इस बार बनाने का प्रयास किया है। इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं। उसके साथ ही 11 फीट की हमने मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, जो कि हमारे खुद के शहर में खंडवा में बनी हुई है, वो हमने स्थापित की है। ये इस झांकी का विवरण है। कितने वर्षों से आप गणेश जी बिठा रहे हैं? गणेश जी तो विगत जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, विगत चालीस वर्षों से यहाँ बैठते आ रहे हैं। पर स्थाई जो झांकी इस बार हमने बनाई है, ये हमारा पहला प्रयास है। इससे पहले हमने मूर्तियों का प्रयास किया, जैसे एक बार दादाजी की मूर्ति हमने स्थापित की थी, उससे पहले कालिका माता के रूप में गणेश जी स्थापित किए थे। इस बार तांडव करते हुए मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति हमने स्थापित की है। 10 दिन का गणेश उत्सव है, क्या कुछ विशेष आयोजन है, विशेष आरती है? यहाँ तो विगत ही बच्चों के खेलकूद चल ही रहे हैं, रोज ही, मतलब आज तीसरा दिन है, रोज ही बच्चों के खेलकूद चल ही रहे हैं। पर 56 भोग के साथ साथ इस बार हमने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, तो हम शिव जी की भस्म आरती भी करेंगे आखिरी दिन, और उसके साथ ही चल समारोह जो रहेगा वो हमारा बहुत ही भव्य चल समारोह होने वाला है। आपका